वालेकुम व्यूअर्स, आज मैं नसरीन की तरह बोलने की कोशिश कर रही हूँ क्योंकि सजदा कह रही है कि खाला जानू पहले कहना है अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। नसरीन नहीं है, जुगनी नहीं है इस ब्लॉग में, तो आप ही कह दें। अभी जो है सुमैया गई है और कल हमारी पिकनिक है, दुआ कीजिएगा। जब आप दुआ करेंगे पिकनिक ही होती है, वैसे फिर भी दुआ कीजिएगा कि अच्छी हुई हो। बिल्कुल काला जानू की तरह बात कर रही है मम्मा। अभी जो है सुमैया आप ही गई हुई, अपने घर चली गई और अभी जो है ना तकरीबन अब हम खाला को अपने रूम में भेजेंगे और हम मजे करेंगे। उसको कहेंगे नहीं, अभी ड्रेस भी सिलेक्ट नहीं किए, तो अभी मम्मा से हम ड्रेस सिलेक्ट करवाते हैं और किसी की ड्रेस वगैरह निकाले और कल मुझे फेस करें इंसान। हाँ, क्या लेकर जाना है, थोड़ी रिफ्रेशमेंट, तो वो कुछ ना कुछ अभी मैं बनाऊंगी। व्यूअर्स, मम्मा सोच रही है ये वाली ड्रेस पहने, मम्मा दिखाएं ये ड्रेस है। अच्छी है खाला, ये पहन के जाओ। अच्छी है, ग्रीन गुस्से पे ये मम्मा सोच रही है कि मम्मा ये वाली ड्रेस पहने, है ना मम्मा? अच्छी, ये पहन लीजिएगा। पहन के दिखाएं मम्मा? नहीं, पहन कर नहीं दिखाऊंगी मम्मा। नहीं, पहन के दिखाएं, मैं भी प्रेस करने की आई, इधर ब्लॉग में नहीं दिखाएं, हमें पहन के दिखाएं। नहीं बस सही पाई दिखा बंदा नहीं चौथे रूम में भले ही ना सही हूँ। The next day. बच्चे बहुत इंजॉय कर रहे हैं। वहाँ देखिए ये कलाम बताते हैं। क्या हाल है? ठीक है। अभी हम सचल साईं की मज़ार पर आए हैं,
पे हमें दुआ मांगनी है, सबको आप भी हमारी दुआ में शामिल हो जाएं और सारे बच्चे भी दुआ मांग रहे हैं। बेटा आप दुआ मांगें, जो आपको दुआ मांगनी है मांगे, शाबाश। शाजमा भी दुआ मांग रही है, हमें भी, और आप भी हमारी दुआ में शामिल हो जाएं। अल्लाह पाक आप सबके भी मसले, जो भी आपके दिल की मुरादें होंगी इंशाल्लाह वो पूरी होंगी। यहाँ बच्चे जो है वो बहुत इंजॉय कर रहे हैं, यहाँ बहुत धूप है लेकिन मौसम जो है वो सही है, इसलिए बच्चे जो है ना वो बहुत इंजॉय कर रहे हैं और उन्हें वैसे गर्मी महसूस नहीं हो रही। अभी उन्हें इधर हमने आधा घंटा दिया है कि आपके पास आधा घंटा है, आप यहाँ इंजॉय करें, घूमें, दुआ वगैरह मांगे, बच्चे सब दुआ वगैरह मांग रहे हैं और इधर इंजॉय कर रहे हैं। उसके बाद जो है हम इधर से निकलेंगे, उसके बाद हम कोडी जी है वहाँ जाएंगे, कोडी जी किला है वहाँ बच्चों को ले जाएंगे। हम बच्चों को एटलीस्ट 1 आवर देंगे वहाँ, हमें 1 आवर लगेगा। जी नसरीन आप क्या कह रही हैं? मैं ये कहना चाह रही हूँ कि अभी यहाँ से चलते हैं जी चलते हैं जी, बस यहाँ से हम 12:30 बजे निकलेंगे, बच्चों को आधा घंटा दिया था, 12:30 बजे यहाँ से निकलेंगे और इंशाल्लाह फिर वहाँ से कोडी जी चलेंगे। कोडी जी हमें एक पॉइंट जो है स्किप करनी है तो मैंने कहा वो नहीं करें और बच्चों को लेकर चलते हैं, करेंगे बच्चे तो फिर ऐसा करें कि आप बच्चों को अभी ही कहें कि वो निकले। क्या कहते हैं आप बाबा, आपका क्या प्रोग्राम है कि यहाँ और यहाँ ठहरना है या कोडी जी चले? जी बस 2 मिनट यहाँ पर ठहरेंगे फिर कोडी चलेंगे इंशाल्लाह मिस के साथ। इंशाल्लाह आप बताएं, सारे बच्चों ने दुआ मांग ली आपके मतलब हाकिम आप इंजॉय कर रहे हैं? यस बिल्कुल एंजॉय कर रहे हैं स्कूल के ट्रिप के साथ। असा ये मिस्टर श्रीनगर कैमरा जी हाथ में कैप्चर कर। अच्छा आप बताएं मुजम्मिल, आपकी ओपीएफ में आप मैट्रिक क्लास अच्छे आ रहे हैं ना? जी जी माशाल्लाह बहुत बहुत अच्छे आ रहे हैं। खूबसूरत ये तो बच्चे हैं ना, खूबसूरत तो आएंगे ना प्यारे। आप दोनों ही बहुत माशाल्लाह बहुत बड़े पैमाने पे जरूर जरूर। आप बताएं मुजम्मिल आप इंजॉय कर रहे हैं? आपकी आपको बहुत क्या मुश्किल आती है आपको? सीट बाय सीट तो आपको बिठाया गया है। जी आप बताएं अली, आप बताएं मजा आ रहा है? आप बताओ अली, आप इधर ही बताएं अली, आपको क्या शाउट आउट चाहिए आप बताओ? बस आप मुझे प्रमोट कर दीजिए, मेरे सब्सक्राइबर्स ही नहीं बढ़ रहे। बताएं अपना क्या है? 435 लोगों का चैनल। इंशाल्लाह इंशाल्लाह देखें, ये बहुत एक्टिव और बहुत अच्छा बच्चा है और ये बहुत अच्छे व्लॉग्स बनाता है, तो इसके चैनल को काइंडली आप सब्सक्राइब कर लें। जी अनोक्षी टिकटॉकर आप बताओ, आप इंजॉय कर रही हो बाबा? थोड़ा या बहुत? A few moments later. अभी डियर हम बच्चों को शुगर मिल लेकर जा रहे हैं। अभी ये हमारी कोच जो है ना अंदर शुगर मिल के अंदर चल रही है, तो आप भी चलिए और शुगर मिल आप भी देखिए। जैसे जैसे हम चलते जाएंगे आपको भी शुगर मिल दिखाते जाएंगे, और वो भी वहाँ की हिस्ट्री होगी ना वो आपको। अभी हम शुगर मिल में बच्चे जो हैं उन्हें काउंट करके एंटर कर रहे हैं। यहाँ नसरीन जो है वो बच्चों को लाइन बाय लाइन शुगर मिल एंटर कर रहे हैं। लाइन में आलू नहीं है तो जो कुछ चैनल ही सब्सक्राइब न कर लेते। हाउ डू यू फील, आर यू एंजॉयिंग? या वेरी मच। ये देखें नसरीन को ना, नसरीन मैथ्स में बहुत होशियार है, वो गिनती करती जा रही है। जी नसरीन जी जी आपकी गिनती पूरी हो गई या अभी चल रही? ब्लॉगिंग खत्म नहीं हो रही? नहीं ये मुजम्मिल है। हाय मिस आसिया, हाय डियर, आपसे इंटरव्यू लेंगे मिस आसिया। आप मेरी बेटी से ले? जी जी। ये सब बच्चों को हम लाइन में शुगर मिल लेकर जा रहे हैं क्योंकि उधर काफ़ी मशीन्स वगैरह होता है, तो उसमें हम थोड़ा डर भी रहे हैं कि भाई कुछ बच्चों को हो ना जाए या कोई बच्चा गुम वगैरह भी ना हो, इधर उधर ना हो जाए, तो इस वजह से हमें यहाँ बच्चों को जो है ना बहुत केयरफुल करना पड़ता है। और हमारी जो मैडम है वो बहुत कॉन्शियस हैं, अभी भी वो परेशान लगी पड़ी है अभी बच्चा इधर अभी हो जाए। पे वो
मुझे भी डांट चुकी हैं और अभी मैडम को भी हेड ऑफिस से फ़ोन आई कि भाई कहाँ आप पहुँचे। हमारे हेड ऑफिस वाले भी हर 15-20 मिनट के बाद या आधे घंटे के बाद कॉल करते हैं। जब तक हम वापस स्कूल पहुँचेंगे और बच्चे अपने अपने घरों तक ना पहुँचेंगे, मैडम की परेशानी ये रहेगी। हमारी 7th क्लास की स्टूडेंट है, पोजीशन होल्डर है, माशाल्लाह बहुत अच्छी स्टूडेंट है। तो इसे मैंने पकड़ लिया है कि इसे अपने दोस्तों से भी मैं साइड पर करके ले, साइड पर तो नहीं, वैसे हम सब साथ चल रहे हैं, लेकिन मैंने सोचा कि इनसे पूछूं सारा से कि आप कैसा फील कर रही हैं। जी सारा, मुझे बहुत मज़ा आ रहा है, बहुत इंजॉय कर रही हैं, बहुत इंजॉय कर रहे हैं, बहुत। अब हम कहाँ आए सारा? हम मिल पे आए हैं, शुगर मिल पर। अच्छा, ये कहाँ है? ये रणपुर में है। अच्छा, आप इंजॉय कर रही हैं? जी जी बिल्कुल, बहुत अच्छा। आप कुछ बताएं कि जब पिकनिक के स्टार्टिंग थी तो आप एक्साइटेड थी? जी बिल्कुल बिल्कुल, दो दिन से तैयारियाँ थी। आपकी तैयारी चल रही थी? जी, मसरूफ थी दो दिन से तैयारियों में। अच्छा, जब भी बच्चों की कोई पिकनिक वगैरह होती है ना तो वो बहुत एक्साइटेड होते हैं, उन्हें अपनी ड्रेसेस का और शूज़ वगैरह, जैसे आपको पता होगा, हर चीज़ों का बहुत बहुत केयरफुल होते हैं कि भाई हमें बैग्स भी लेने हैं, हमें शूज़ वगैरह भी लेना है, ड्रेस भी। जैसे खिज़र मुझे दो दिन से तीन दिन से बहुत तंग कर रहा था कि मामा चलें, और जी जी और पूरे फ्रेंड्स भी चल रहे थे तो और मज़ा आता है कि एक्साइटेड होते हैं कि साथ घूमेंगे। हाँ, वैसे तो हर कोई पिकनिक पर या ऐसे अपने पेरेंट्स के साथ जाते रहते हैं, लेकिन स्पेशली जो फ्रेंड्स के साथ जाना होता है मज़ा ही अलग है, वो मज़ा ही अलग है। तो अब हम अंदर जाके आपसे मिलते हैं। शुगर मिले और हम शुगर मिल में बहुत खुश हैं, कितना मतलब खुश हम, ये सब बच्चे इधर खड़े हैं और ये देख सकते हैं आप। अब हमारे साथ बने रहिए, हम आपको सब दिखाएंगे। जी, यहाँ जो है सब बच्चों को एक टाइम नहीं जाने देंगे, इसलिए सर अली अकबर पूछ रहे हैं कि यहाँ बच्चों को हमें तीन ग्रुप में भेजेंगे। जी, ये सब बच्चे हैं, इन्हें हमने यहाँ एक साथ करके खड़ा किया है और उनकी जो सिक्योरिटी है वो भी बहुत हाई अलर्ट है, सारी उनकी सिक्योरिटी और उनका बहुत अच्छा अरेंजमेंट है और बच्चों का भी बहुत ख्याल कर रहे हैं। यहाँ हम बच्चों को जो है वो 3 ग्रुप में डिवाइड कर रहे हैं ताकि भाई बच्चों को भी कुछ ना हो। ये हमारे स्पोर्ट्स टीचर और हमारे टीचर दाशे और मैथ टीचर सर अली अकबर, ये सब बच्चों को 3 ग्रुप में बना कर रहे हैं ताकि कोई इशू ना हो। कुछ हादसों थी सके तो कुछ वा अदर मशीनी वरन थी पे जिनका हेजर्ड और प्रिकॉशन तुम्हें कड़ा कड़ा प्रिकॉशन इस्तेमाल करना है, किथे एक्सेस इन है, किथे इमरजेंसी डोर इन, किथे इलेक्ट्रिकल सप्लाई असि मौजूद इन, हेवी इक्विपमेंट में कथों कथों गुजरन जो असि रुकेटिंग पार्ट्स वगैरह है, तक लूज ब्रेस पाथल है, कोई इन को चोलो कहो रो या का बी शे फांसी पे जो हादसों पेश अचे, ये तक बुधाने का मकसद यो है। सब को पे असा क्रैशिंग साइड से 10-10 छोकर की टीम ठहंदी, उन सिक्योरिटी स्टाफ भी होंद, HSC भी होंगी, तुम सीनियर स्टाफ भी मौजूद होंद। पे हेलमेट पियान इतने हेलमेट सब पाइन जी वापसी इंदे फौरी तौर हेलमेट तक वो इतने असा दियणा वापसी, उन्हें पे क्रैशिंग से वादे, क्रैशिंग से असे मिल एरिया में, पर मिल एरिया में कें भी रोटेटिंग पार्ट से या बिजली कें भी शे से खछड़खानी न करनी है, कें भी लूज आइटम के कें भी अड़ी शे के लूज कनेक्शन है उन्हें टच ना करो, छो जो ये लाइव इलेक्ट्रिकल सप्लाई है असि हेवी वोल्टेज आ कें भी का फिटल थी या कोई अड़ो को हादसों पेश अच सके तो उन कें भी शे को पुछा करनी है तो असो पुछा कौ अस अगर मैकेनिकल डिपार्टमेंट हों, इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट हों, उन प्रोसेस हाउस के असा मू हों, तो उन्हें तक असेंगे ब्रीफिंग दींदा हल्दे तो कड़ा असा हेजर्ड इन
उन्हें को असानी क्रशिंग के थिंदी आ प्रोसेस के थिंदो आ आखरी शेप असन जो खंड जो के निकलो आ ये सजे मराले मा सन 10 को 15 मिनट जो टोटल विजिट आ ट्रेन ट्रेन मान जो बेस्ट आंदो असन लगा डालम यहां बच्चों को हेलमेट पहना कर लेके जा रहे और लोग कोठा की ग्रुप को जीवेगा सेपरेट कर रहे हैं और बच्चे कह रहे हैं कि जो हम हेलमेट वगैरह पहन के जा रहे हैं वो हमारा व्लॉग में जरूर रखिएगा। ब्यूटीफुल हैंडसम थैंक यू नॉट नाउ इनके साथ देखें उनसे टीचर्स को ये स्टार्टिंग में क्रशिंग कैसे करते हैं टेंट की पहले ये बच्चों को उन्हें बताया है फिर अब आगे लेकर जा रहे हैं लेट्स सी क्या बताते हैं जो सुगर बनाने का सेकंड क्रशिंग है वो बता रहे हैं क्रशिंग के बाद क्या जो प्रोसेस हेडे आ जो सवाल आए तो सवाल करें।